उसके होठों पे मुस्कुराए है दुनिया मेरी हो चखना भी चाहूं रखना भी चाहूं सब चार पाके उसे थोड़ा पीछे बोला मैं रोलिंग रिपोर्ट के अनुसार सोलो ओपनिंग जो है आज तक बड़ी किसी फिल्म को नहीं मिली थी, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बहुत ही शुक्रगुजार हूँ सर कि आखिरकार मेहनत काम आ रही है और बाकी क्या बोलूँ सर, मतलब फर्स्ट टाइम के हिसाब से रिस्पॉन्स मिला और बहुत ही पॉजिटिव, ओवरऑल बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले और ऑफकोर्स बहुत खुश है यार वापस जी। क्या कह रहे थे आप दोनों से जानना चाहेंगे कि सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला है अब तक आपको? सारे यार सर सारे, मैं एक चुन नहीं सकता। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मिला है कि ऑडियंस को पसंद आ रही है और इसलिए चल रही है और इसलिए जो बॉक्स ऑफिस में कलेक्शन आ रहे हैं वो ही इन इटसेल्फ बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, स्पेशली न्यू कमर्स के लिए इट्स वेरी इनकरेजिंग। क्या लगता है 100 करोड़ के क्लब में शामिल होगी आपकी फिल्म? फर्स्ट फिल्म है लोगों में I don't want to jinx anything. हो सकता है I'm very happy. Opening के हिसाब से शायद हो सकती, शायद नहीं हो सकती, क्या देखते हैं ये हफ्ते के बाद पता चलेगा। आई थिंक हम लोगों के लिए इतना इतना मिलना भी बहुत बड़ी बात है, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग सच वेलकम एंड आई थिंक और बाबा घूम से रख रहे हैं, हम इसी में खुश हैं, सक्सेस पर आगे हो चुके हैं। यहाँ पे लोगों में तो हम एक्साइटमेंट देख रहे हैं, आपके पापा की भी एक्साइटमेंट काफी देख रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड के और भी कई स्टार्स हैं जो आपकी फिल्म को सपोर्ट करने पहुंचे हैं, उनके क्या रिएक्शन है? जैसे मैंने कहा मैम, बहुत सारी पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज मिल चुकी है इस पिक्चर के लिए और आई थिंक जी अप्रिशिएट आ हार्ड वर्क वो साफ दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, हमने बहुत मेहनत की है, दे ऑल्सो फेलो एक्टर्स तो वो पता है कितनी मेहनत लगती है इस फील्ड में। तो किसी का भी कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो आप लोगों को याद हो और आप लोग बताना चाह रहे हो, जो सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिला हो आपको फिल्म के रिलीजिंग के बाद? आई थिंक मैम उन्होंने हम दोनों को बुलाकर अलग से जब उन्होंने फिल्म देखी इंटरव्यू में ही उन्होंने हमें बुलाकर काफ़ी कुछ अच्छा अच्छा बोला था, मैं एग्जैक्ट वर्ड्स बट बेसिकली उन्होंने इंटरव्यू में ही आधी फिल्म ख़त्म हुई थी और तभी हम लोग के बारे में काफ़ी अच्छा बोला था, काफ़ी तारीफ की थी, तो वो बहुत अच्छा मोमेंट था मेरे लिए, आई एम श्योर इसके लिए भी। टाइगर आपका सवाल है कि हीरोपंती साउथ फिल्म की रीमेक है जी, अगर आपके पास आगे ऑफर आएगा जिसमें एक साउथ की रीमेक हो जी और एक फ्रेश कॉन्सेप्ट पे फिल्म बनने, तो सर क्यों नहीं, मतलब नहीं सर स्क्रिप्ट के हिसाब से सर, अगर स्क्रिप्ट अच्छी है तो मैं जरूर करूँगा सर, तो ऐसा नहीं कि अगर रीमेक है तो करूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है ट्रेंड बन गया है कि साउथ की जो रीमेक होती है वो हिट साबित होती है, ऐसा नहीं लगता आपको? पता नहीं सर, मेरे हिसाब से स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए और कुछ नहीं। फिल्म के बारे में तो हमने जाने लेकिन ये जानना चाहेंगे प्रभु आप दोनों का किस तरीके का योगदान है आज? आई थिंक प्रभु इज प्रमोशनल विद हीरोपंती एंड दैट्स
फिल्म में जो है आप दोनों की केमिस्ट्री काफी पसंद आ रही है, तो क्या अगली फिल्म में भी हम आपको साथ देख पाएंगे? आप बता देंगे सर, आप बोलो लोगों को, शायद देखते हैं। लेकिन अगर कभी ब्रांड एम्बेसडर दोनों को एक साथ करने का मौका मिला तो क्या करेंगे? Thank you so much.